नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लॉकडाउन का चल रहा है तीसरा चरण, झारखंड में नहीं मिली है छूट। इसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे जमशेदपुर, परिसदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। टाटानगर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के आवागमन को लेकर हुई तैयारी पूरी, मंडल सुरक्षा आयुक्त ओंकार सिंह ने लिया सभी व्यवस्थाओं का जायजा। आज है वो परम दिवस जिस दिवस ने बदली आध्यात्मिक जगत को। आज है 5 मई, जिस दिन श्री माताजी निर्मला देवी जी ने खोला विश्व का सहस्त्रार। विश्व भर के सहयोगियों ने जताया श्री माँ का आभार। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। वैसे तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो झारखंड में लागू नहीं किया गया, यानी पूरा झारखंड लॉकडाउन पर है। इसी बीच झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जमशेदपुर पहुंचे, जहां परिसदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उधर इस बैठक में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के मनमानी का मुद्दा छाया रहा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि एक टीम गठित कर सभी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा और स्कूलों को ये आदेश दिया जा रहा है कि कोरोना को लेकर जितने दिन स्कूल बंद है उतने दिन के पैसे बच्चों के अभिभावकों से नहीं लिया जाए। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे दुरुस्त हो उस पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ वार्ता की। जो फाइल बड़ा था हमने डाउन कर दिया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। उच्च स्तरीय कमेटी में फीस लेना है नहीं लेना है एक महीने के अंदर रिपोर्ट करना है। अब मेरा व्यक्तिगत विचार पूछिएगा तो जो भी ये कोरोना अवधि में पढ़ाई नहीं हुआ है बस बड़ा इसको नहीं लेना चाहिए अभिभावक से, मेरा व्यक्तिगत पूछिएगा तो। लेकिन कुछ लोगों से विचार विमर्श तो करना पड़ता है ना। हमने विचार विमर्श के लिए कमेटी बना दिया है, उच्च स्तरीय कमेटी। उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय आएगा, मान लो कल ही हम देख रहे थे टीवी में कि हमारे निजी विद्यालय के लोग बोलते सरकार से मिलेंगे कि हमारे ड्राइवर गार्ड का तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, ऐसा टीवी में आ रहा था। तो हमने उन लोग से तो बात नहीं हुआ, लेकिन हम बोले कि यदि एक महीना में ये स्थिति है, अरे आप काम नहीं किए हैं, पढ़ाया नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। और पूरे देश में भी कई स्कूल निर्णय लिया है, सिर्फ झारखंड निर्णय नहीं लिया, पूरे देश में कई राज्य निर्णय लिया है। कानून से बढ़ के कोई नहीं, नियम से बढ़ के कोई नहीं। हम कानून सरकार बनाता है, वो भी झारखंड में, झारखंड के बाहर नहीं है, नियम से ही चलता है, नियम से चलना होगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के आवागमन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जहां मंडल सुरक्षा आयुक्त ओंकार सिंह ने ट्रेन आने एवं जाने के दौरान क्या कुछ व्यवस्था अपनाना है, सुरक्षा का क्या कुछ प्रबंध है, इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि ट्रेन का आगमन किस दिन होगा ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन टाटानगर पहुंचेगी, जिसे लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ रेल प्रशासन के द्वारा लगातार विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे मंडल सुरक्षा आयुक्त ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्टेट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम की जा रही है, ट्रेन आने के दौरान सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी किस तरह से अपने आप को सेफ जोन में रखकर काम करेंगे इस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रियों के साथ ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों को अन्य कर्मचारियों से किस तरह से अलग रखकर काम करवाना है, ताकि संक्रमण का खतरा ना फैले इस पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, सारे उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वो कोई भी आए तो
इन केस कोई भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे आए तो उसके लिए सफिशेंट अरेंजमेंट्स किए गए यात्रियों द्वारा और स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ भी हम कॉन्स्टेंट टच में हैं। तो जैसे भी ट्रेन होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है और जो हमारा स्टाफ ड्यूटी कर रहा है उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसको लेके यहाँ ये मैंने विजिट किया है। तो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री है और फर्दर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जितना हो सके जो पैसेंजर आएंगे उनको सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें, है ना। उन लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दूसरे स्टाफ है उनसे सेपरेट रहें, तो उनके एकोमोडेशन के लिए यहाँ स्टेशन में रिटायरिंग रूम वगैरह खुलवाए गए हैं ताकि जो लोग पैसेंजर इंटरेक्शन की ड्यूटी करें वो बाकी स्टाफ से अलग रहें, जिससे कि बाकी स्टाफ में अगर किसी स्टाफ में इन्फेक्शन के चांसेज होते हैं तो दूसरा स्टाफ बच सके, इसका हम ध्यान रख रहे हैं। और बाकी फेस शील्ड वगैरह, सैनिटाइजर, ग्लव और मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है स्टाफ में। 5 मई विश्व के आध्यात्मिक जगत को एक नई दिशा मिली थी। पूरे ब्रह्मांड की दिशा व दशा में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ तब संभव था जब मानवता को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ा जाता और इस कठिन कार्य को परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने अपनी असीम अनुकंपा से संभव किया। जी हाँ, आज वो परम दिवस है जिसे सहस्रार दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज का दिन आध्यात्मिक जगत को रोशन करती है, ब्रह्मांड की दिशा और दशा को परिवर्तित करते हुए परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में पूरे ब्रह्मांड का सहस्रार खोला था। तब से साधारण व्यक्ति को भी सहज ही आत्म साक्षात्कार मिलना आसान हुआ। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने सहयोग संस्था की नींव रखी, आत्म साक्षात्कार को जन जन तक पहुंचाया। आज विश्व के 170 देशों में परम के खोजी बंधु आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर खुद को परम से जोड़ चुके हैं। इस विधि से ध्यान, धारणा आदि अति सरलता से इंसान कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के विषय में आदिकाल से ही वेद पुराणों में वर्णन किया जा चुका था, पर विधि की जटिलताओं के कारण ये साधारण व्यक्ति के लिए कठिन था। पर श्री माता जी ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए जन साधारण को समर्पित किया। शारीरिक, मानसिक व भौतिक समस्याओं से ग्रसित मानव शांति की तलाश में हर तरह की गलत चीजों को अपनाते जा रहे हैं। भ्रम इस कदर हावी है कि लोग आज भ्रमित हैं और जाने अनजाने गलत रास्तों पर भटक रहे हैं। श्री माता जी ने बताया, सिर्फ कुंडलिनी जागरण से ही मानव आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आज सहज योग संस्था 50वीं वर्षगांठ मना रही है। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी ऑनलाइन ध्यान धारणा का कार्यक्रम पूरे विश्व भर में जारी है, जिसके माध्यम से इस विषम परिस्थिति से जल्द लौटने के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। आइए हम सब विश्व सहस्रार दिवस के दिन श्री माता जी निर्मला देवी जी से विनम्र निवेदन करते हैं। हे श्री माँ, हमें विवेक, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। पूरे विश्व के करोड़ों लोग कुंडलिनी शक्ति के जागरण से अपने आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर रहे हैं। भारतवर्ष में 3000 से ज्यादा ध्यान केंद्र संचालित है। आत्म साक्षात्कार पाने और ध्यान के विषय में जानने के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-30-700-800 पर जानकारी हासिल करें। आपस में प्रेम भाव, दोस्ती, लेकिन चालाकी करना सहयोग में मान्य नहीं। जो चालाक है वो महामूर्ख है मेरे विचार से, तो कि वो अपने ही को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा भाई? तो वो तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो इसने जग को ठगा उसने अपने ही को ठग लिया, बेवकूफ़ी है। तो अपने ही साथ चालाकी क्या करने की, अपने साथ तो कम से कम सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई मुझे, मैं अपने को क्यों ठग रहा हूँ, मैं अपनी सुंदरता को क्यों घटा रहा हूँ। सो जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के
एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। यही मैं दिल्ली वालों से विनती करती हूँ। दिल्ली में सहयोग में जो कुछ भी मैं देखती हूँ, वो ये सोचती हूँ कि ये लोग अपने से प्यार नहीं करते। एक तो सरकारी यहाँ जो असर है कि सरकार से आगे भी एक बड़ी भारी सरकार बैठी हुई और वो सरकार प्यार से चलती, विश्वास से, आनंद से चलती, उस सरकार में हमें खड़ा हो, इस भावना को दृढ़ करना है और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखना है कि हम होंगे, यही करें। जब तक आप लोग इस दशा में नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते, अपने घर वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के पांव जमे नहीं है ज़मीन पर, तो आप किसको बचा सकते हैं, बताइए। आप खुद ही डावाडोल खड़े हुए हैं, तो जिसके साथ दो चार और आ जाएंगे तो आप डूब जाइएगा, और यही होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आसुरी विद्या आदमी जल्दी पकड़ता है और शुद्ध विद्या कठिनाई से पकड़ता है। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया, नहीं। मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको, आपको बनना चाहिए, हार को नहीं। आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते हैं। कि दुनिया कहे कि हाँ भाई, तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है, ऐसे हो नहीं सकता। झारखंड राज्य में भी कोरोना बंदी के तीसरे चरण को 17 मई तक लागू कर दिया गया है, मगर जमशेदपुर शहर में लोग कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। सुबह से शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर आम दिनों की तरह लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी बहाने से लोग अपने घरों से निकल ही पड़ रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी कई जगहों पर ढील दे दिया है, जिसका फायदा भी शहर के लोग जमकर उठा रहे हैं। वहीं मानगो पुल पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। कहीं कहीं पुलिस द्वारा बिना काम के लोगों को वापस घर भी भेजा जा रहा है, मगर शहर की सड़कों का नजारा देख कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग कोरोना वायरस को दावत दे रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार तो बढ़ा दिया है, हम लोग तो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दिन की अपेक्षा कुछ आज भीड़ कुछ बढ़ा है। हम लोग तो हर आदमी से अपील करते हैं कि आप लोग बाहर ना निकलिए, जिसको ज़रूरत होता है उसी को हम लोग जाने देते हैं, जिसके पास पास है, नहीं तो बाकी के हम लोग वापस लौटा देते हैं। बहुत काम के भी, बिना काम के भी लोग निकल रहे हैं, जिसको हम लोग वापस लौटा देते हैं। हम लोग यही अपील करते हैं कि घर से आप ना निकलिए, जो जो केंद्र सरकार का आदेश है उसको पालन कीजिए, जो राज्य सरकार का आदेश है उसको पालन किया जाए। झारखंड में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बीच जमशेदपुर की सड़कों पर पुलिस ने गांजा ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है। मोदी पार्क के समीप चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने हेलमेट चेकिंग के दौरान इस युवक को गिरफ्तार किया। जैसे ही युवक ने हेलमेट पहनने के लिए गाड़ी की डिक्की से हेलमेट को निकाला, गांजे का पैकेट नीचे गिर गया। फिर क्या था, पुलिस ने युवक को धर दबोचा और पूरे मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवक सोनारी का रहने वाला बताया जा रहा है। वैसे लॉकडाउन के बीच खुलेआम गांजा लेकर घूम रहे युवक के कारनामे को देख मौके पर मौजूद सभी अधिकारी और राहगीर दंग रह गए। वैसे पुलिस के गिरफ्त में आया युवक खुद को बेगुनाह बता रहा है। फिलहाल पुलिसिया अनुसंधान जारी है। हेलमेट के जा रहा था, हमने इसको रोक के बोला कि हेलमेट यही बोल पहन लो, हेलमेट जो है हेलमेट कहीं डिक्की में है, डिक्की खुलवाए हैं, देखते हैं उसमें जो है नशीला पदार्थ है, बस गांजा है, अभी तो उसी में है, डिक्की में खड़े हैं, थाना पर भारी आएगा तो कार्रवाई करेंगे। होगा 30-40 ग्राम होगा। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने से एक बार फिर रेल यात्रियों पर आश्रित रहने वाले कुलियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है।
सरकार से मिली निराशा के बाद टीम संघर्ष ही इनके लिए वरदान साबित हो रही है। रेल यात्रियों पर आश्रित रहने वाले कुलियों की स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप होने की वजह से आज इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं समाचार के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद लगातार टीम संघर्ष के द्वारा इन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराए जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इन्हें सप्ताह से 15 दिन का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इनके परिवार के सदस्यों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो। वहीं टीम संघर्ष के अध्यक्ष अरिजीत सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में इन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक टीम संघर्ष के द्वारा लगातार इन्हें जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। किस तरह से अपने जीवन शैली में सोशल डिस्टेंसिंग को एक अंग बनाना है इसका भी पाठ पढ़ाया गया। ये लॉकडाउन के तीसरे फेज में फिर से टीम संघर्ष परिवार ने टाटा नगर स्टेशन परिसर में जो 40 कुलियों के परिवार है, ये दूसरा दफा आज टीम संघर्ष परिवार इन सबों के बीच राहत सामग्री लेकर उपस्थित हुआ। कल ही हम लोगों के पास सूचना आया था कि इन लोगों को फिर से राहत सामग्री का ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों का सारा जो दिनचर्या वाला काम है ट्रेन बंद होने के चलते इन लोग भी बेसहाय हो गए थे और काफ़ी इनको चिंता सताने लगा था कि कब कौन आएगा और हम लोगों को ये राहत सामग्री पहुँचाएगा। जैसे ही न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों को मालूम चला था कि इन लोगों का माली हालत भी बहुत ख़राब है, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे लॉकडाउन में ही इनको आकर राहत सामग्री प्रदान कर दिए थे और आज भी लगभग 7 दिनों का राहत सामग्री मास्क डेटोल साबुन वगैरह हाथ को सैनिटाइज करते हुए 7 दिन का राहत सामग्री इन लोगों के हाथों आज उपलब्ध कराते हुए हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि इनके कंधे को मजबूती करने के लिए भी टीम संघर्ष परिवार हमेशा तत्पर है। लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। उधर कोरोना पर अंकुश पाने को लेकर लगातार कोरोना योद्धा सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि शहर सुरक्षित रहे। उधर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी अपने इलाके में सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। शहर के गली मोहल्लों हो या चौक चौराहा या सड़क, हर जगह गाड़ियों में सैनिटाइज किया जा रहा है। यहां तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस का कुप्रभाव लोगों पर न पड़े। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर स्थित चरडरी पहाड़ के जंगल में एक 8 साल के बच्चे का शव मिला। शव देख स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 8 साल के बच्चे की बेरहमी से पत्थरों से पूछकर हत्या की गई थी और शव को छिपाने के लिए जंगल में शव को फेंक दिया गया, जहाँ जानवर शव को खा गए। स्थानीय लोग जंगलों में लकड़ी काटने गए तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में बच्चे की पहचान आजाद नगर के रहने वाली मृत बच्चे की मां ने बच्चे की पहचान कर उसकी हत्या का आरोप अपने पति पर लगाया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण 8 वर्षीय बच्चा मोहम्मद समीर की हत्या उसके पिता मोहम्मद शमशेर ने की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृत बच्चे की मां ने कहा कि पारिवारिक विवाद के कारण वो अपने पति से अलग रहती है और इसी दौरान कल सुबह बच्चे के पिता उनके घर पहुंचे और बच्चे को उठाकर कहीं ले गए, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इधर पुलिस बच्चे के पिता मोहम्मद शमशेर को गिरफ्तार कर बच्चे का पोस्टमार्टम करा रही है और घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। करीब 2 बजे हम लोग को सूचना मिली है कि देवघर गांव है, उसके सामने एक पहाड़ है, जो सामने पहाड़ी है जिसको जहाँ पर झरना है उसके ऊपर में एक बच्चा का शव पड़ा हुआ है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ जाके देखे हैं कि एक 7-8 साल का बच्चा है जिसका सर को पत्थर पर पटक के हत्या की है, उसको मार दिया गया है और शव को छुपाने की नीयत से वहीं पर जंगल में फेंक के कोई बच्चा लगता है कि किसी के दुश्मनी के चलते ही बच्चा को, अन्यथा बच्चा क्या कर सकता है, उतना छोटा बच्चा है, कोई घर के दुश्मनी के चलते या अगल बगल के दुश्मनी के चलते उसको ले आके मार के वहाँ जंगल में फेंक दिया।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।